गाइज, अगर आप भी वन मंथ में अपने बेली फैट को रिड्यूस करना चाहते हैं या फिर अपने लव हैंडल्स को कम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आज की मेरी बताई हुई आसान सी सिर्फ मास एक्सरसाइजेस आपके अंदर ह्यूज विजिबल रिजल्ट लेकर आने वाली है, जो आज से पहले आपने कभी इमेजिन नहीं करा होगा। आप मेरी वॉइस में कॉन्फिडेंस देख सकते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट इतना बेहतरीन आएगा। मुझे पता है आप लोगों का कमेंट भी आएगा कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, लेकिन किसी भी चीज का रिजल्ट तब आता है जब आप अपनी डाइट पर कंट्रोल करते हैं। मतलब एक महीने में आपके इंच लॉस तो होगा ही, मतलब आपकी 36 की कमर 32 की डेफिनेटली होगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको मीठा कट ऑफ कर देना है बिल्कुल, और साथ में आपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी पीना है अगर गर्मी के सीजन में आप ये एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं, और सर्दी में गर्म पानी पीना है। इसके साथ आपको मैदा, ज़्यादा जो नमक और बाहर के जितने भी फूड्स हैं उन सबको अवॉइड करना है। तो आज से ही जितने भी फूड ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल है उनको अनइंस्टॉल करो, घर का सादा खाना खाओ, पतली पतली दाल खाओ, रात को रोटी चावल बंद कर दो, सिर्फ दाल या खिचड़ी या और भी हेल्दी चीज़ें हैं तो उनको आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, और आप रोटी चावल का जो इस्तेमाल है या राजमा आप खाते हैं भारी भारी चीज़ें उनको दिन में खाना शुरू करें तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप मुझे अपना और प्यार देना चाहते हैं तो इंस्टा पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @ishamehra और फेसबुक पे मेरा पेज है @healthaye। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको मैट पे पीठ के बल लेट जाना है। इस तरीके से आप लेट जाइए, ठीक है। अपने पैरों को आप इतना पास रखेंगे बॉडी के, मैंने हिप के, ठीक है। उसके बाद में आपने दोनों हैंड्स को ऐसे पीछे ओपन कर लेना है, राइट। ओपन करने के बाद में जब आप इसका हील टच करेंगे यानी पैर की जो एडी है उसको टच करेंगे तो दूसरा आपकी जो बाजू है वो साइड पे आपने इस तरीके से स्ट्रेच करना है, स्ट्रेट नहीं रखना, स्ट्रेच करना है। तो क्या होगा, जब आप साइड पे बेंड हो रहे हैं उसका इफेक्ट आपके ऑलरेडी इस पोर्शन पर आ रहा है, और जब आप साइड इसकी बेंड कर रहे हैं तो आपके अदर बॉडी पार्ट पे भी, मतलब दूसरी साइड भी आपका इसका इफेक्ट आएगा। इससे आपका जितना भी लव हैंडल है वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो चलिए इसको हमें करना है 20 बार और इसके करने हैं 3 सेट, यानी 60 टाइम्स हमें इसको रिपीट करना है। जब हम ऐसे करेंगे और फिर ऐसे करेंगे तो ये होगा 1, ठीक है, इसको 2 मत काउंट कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। सेकंड एक्सरसाइज के लिए आपको दोनों हैंड इस तरीके से जॉइन करने हैं, बैक साइड पे लेके जाना है, स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद में अपनी बॉडी को ऊपर लिफ्ट करते हुए अपने हैंड्स को लेग्स के बीच में आपने लेकर आना है। कैसे, देखिए। जब आपका बॉडी अपसाइड उठ रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ आ रहा है तो आपने ब्रीथ आउट करना है, जब नीचे जा रहा है तो आपने ब्रीथ इन करना है। रिलैक्स, ठीक है, इसको भी सेम 20 टाइम्स और 3 सेट यानी 60 टाइम्स आपको इसको रिपीट करना है। इस वीडियो में दिखाई जा रही, मतलब जो भी आप मेरे को देख रहे हैं सारी एक्सरसाइजेस, वो सारी की सारी फॉलो करनी है। तो प्लीज़ ये मत पूछना कि यार एक कर सकते हैं, दो कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर एक्चुअल में आपको अपने आप को कम करना है, स्पेशली बेली आपका मफिन टॉप जितना भी है सब कम करना है, तो उसके लिए आपको ये कम्प्लीट वर्कआउट करना होगा ऑल्टरनेटिव डेज में, ठीक है। सपोज आपने आज किया, कल आप मेरा फुल बॉडी कर सकते हो, मेरे चैनल में से आप आर्म्स कर सकते हो, देन फिर आपने नेक्स्ट डे करना है, ठीक है। तो वीक में 3 टाइम्स करना है ऑल्टरनेटिव डेज में, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बाद अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको पीठ के बल लेट जाना है मैट पे, ठीक है। उसके बाद अपने हैंड्स को इस तरीके से बैक साइड पे लेकर जाना है और आपने अपनी एल्बो से अपने ऑपोजिट नी को टच करना है। किस तरीके से, देखिए।
ठीक है, एक तो इस तरीके से आप कर सकते हैं या फिर ऐसे ऐसे, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आपने उस तरीके से इसको फॉलो करना है। 20 टाइम्स हम इसको करेंगे और इसके करेंगे 3 सेट, यानी 60 टाइम्स हम इसको रिपीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स। तो यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसके लिए आपको इस तरीके से हैंड को मैट पे प्लेस करना है। फोर आर्म्स को आप लेकर आ जाइए इस तरीके से और अपने टोज पर आ जाइए यानी पंजों पर, और आपने अपनी कमर को इस तरीके से रोटेट करना है 20 टाइम्स और 3 सेट। रिलैक्स। यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से अपने हैंड को मैट पे प्लेस करना है, ठीक है। उसके बाद में आपने अपने नी से अपने ऑपोजिट एल्बो को टच करना है लाइक दिस, ठीक है। 20 टाइम्स 3 सेट यानी 60 टाइम्स आपने रिपीट करना है। रिलैक्स। यहाँ पर आपकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती हैं। गाइस, तो आई होप कि आपको ये वर्कआउट बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। जब आप करेंगे तो लिटरली आपके टमी में बर्निंग सेंसेशन होगा, पेन होगा बहुत ज्यादा, बट वो बहुत पॉजिटिव पेन है। बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि जब हम किसी कम्फर्ट जोन से बाहर आते हैं तो पेन होता है। अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लेंगे पहले और आफ्टर, तो डेफिनेटली आपको ये पेन भी नहीं होगा। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। तो प्लीज इसे करें, अपना एक्सपीरियंस कमेंट के थ्रू जरूर शेयर करें। मैं ऐसे ही हमेशा आपके लिए कुछ नया लाती रहूंगी और आपकी जिंदगी को खुशनुमा बनाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।